2 से 3 लाख डॉलर होंगे जो कि मैंने खुद कमाए होंगे। ये चीज़ गोरा बड़े शौक से देखता है, सारी गेम जो है ये एड्स की है। ऐसा कंटेंट भी जिसमें शक्ल भी नहीं आती। पाकिस्तान में फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं। फेसबुक के ऊपर वही चलता है जिसके अंदर मसाला हो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान नौशाद खान एंड यू आर वॉचिंग द रियलिटी चेक। इस चैनल पर मोस्टली हम मनी मेकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बातचीत करते हैं और हम उसी टॉपिक पर गेस्ट को बुलाते हैं। तो जो आज के हमारे मेहमान हैं बड़े इंटरेस्टिंग करेक्टर हैं, हमाद कियानी साहब, जो कि फेसबुक के चीते समझे जाते हैं पाकिस्तान में। और मेरा खुद जब भी कोई मसला अटकता है फेसबुक में तो मैं इनको हमेशा तंग करता रहता हूँ, बोदर करता रहता हूँ कि यार ये मसला हल करा दे, स्पेशली पैसों के हवाले से, मोनेटाइजेशन एंड एट्सेट्रा। तो मैंने इनको सोचा कि आज इनको बुलाएं पॉडकास्ट में और इनको आपसे, ये तो खैर तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन सोचा कि इनके साथ वो गपशप करें, जो दिल की बात है वो करें इनके साथ। तो हमाद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। इमरान भाई मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं और इनसे जो है वो काफ़ी पुराना ताल्लुक है। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। आई एम सो ब्लाइज। हमाद भाई थोड़ा सा बताएं, आप पैदा कहाँ हुए थे? और मैं पैदा हुआ था सखर में, सिंध। सिंध में? अच्छा, सखर में पैदा हुआ। I thought you were a पिंडी बॉय। नहीं मैं सखर में पैदा होने के बाद फिर हम जो है वो जब मैं 6-7 साल का था फिर हम फैसलाबाद चले गए। अच्छा, तो फैसलाबाद ही टच है मेरे में थोड़ा सा, कि कभी कभी जो है वो जुगते करा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं 15-16 साल रहा हूँ फैसलाबाद में। उसके बाद इस्लामाबाद आ गए और इस्लामाबाद आने के बाद, अच्छा आपको पता ही, सो पिंडी आप कह सकते हैं कि सिंधी पिंडी मिक्सचर। हाँ, यस यस यस। नाइस। तो ये बताएं कि आपके, मैं वो देख रहा था आप उस दिन, मतलब जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो आपने स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे अपने। yes, yes. यार मैंने इतने पैसे कमाए इंस्ट्रीम एड से। ये नंबर्स का मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग फैसिनेट होते हैं नंबर से हमेशा। yes, yes, yes. सही है, तो ज़रा नंबर्स का बताएं पहले। नंबर्स मैं आए दिन जो है वो दिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि फेसबुक के अंदर बड़ी पावर है। जो लोग समझते हैं ना कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है, अब जो पाकिस्तान में फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। और वो नंबर्स जो है वो मैं आए दिन आके अपने चैनल्स के ऊपर, अपने पेजेस के ऊपर दिखाता रहता हूँ। तो यही है कि अच्छे नंबर जनरेट हो रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं स्टार्ट से अभी तक रफ राउंड बता दें कितना किया होगा इस, जब आप नंबर बताएंगे तो उसके बाद हम कॉन्वर्जेशन हुआ के लेके जाएंगे कि यार, ताकि लोग भी इंगेज रहे ना समझा। अच्छा, स्टार्ट से लेकर अभी तक आप अगर इन चीज़ों को देखें तो मेरे ख्याल में 2 से 3 लाख डॉलर होंगे जो कि मैंने खुद कमाए होंगे। और लेकिन जो कमा के दिए वो नंबर बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बड़ा नंबर है। सही है, सही है, चलें गुड है। अच्छा ये बताएं अब कि फेसबुक के ज़रिए एक आम बंदा, क्योंकि मोनेटाइजेशन नहीं है, तो किस तरह से एक किस किस्म का कंटेंट बनाया जाए डालने के लिए और जिससे आप अच्छी रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। तो क्योंकि आप बनाते आ रहे हैं और आपको पता होगा कि किस तरह का कंटेंट चलता है फेसबुक के ऊपर और कौन सा कंटेंट ज़्यादा पैसे कमाता है, ये ज़रा उसके बारे में थोड़ी। अच्छा, कंटेंट फेसबुक के ऊपर वही चलता है जिसके अंदर मसाला हो। अच्छा, क्योंकि मसाला बड़ा ज़रूरी है। फेसबुक कोई भी खोल रहा है एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने के लिए खोल रहा है, वो कोई पढ़ी लिखी बात या एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए तो नहीं खोल रहा। वो उसने वो चीज़ देखनी होगी तो वो सर्च बेस्ड इंजन जो यूट्यूब है उसके ऊपर जाएगा। कोई भी पढ़ी लिखी बात देखनी है, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्टेंट देखना तो यूट्यूब पर जाएगा। फेसबुक पर आते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, दोस्तों को देखने के लिए। तो यहाँ पे मसालेदार कंटेंट जिसके अंदर मसाला हो, जिसके रुक के एक दफ़ा बंदा देखे, वही कंटेंट जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा चलता है। हम फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं तो इस पॉडकास्ट की आप 100 क्लिप्स लगा दो, शायद वो इतनी ना चलें जितनी हम बीच में कंट्रोवर्शियल बात कर दें, इस बाद में मसाला डाल दें, मसाला डाल के वो बात को हम एक पॉडकास्ट बना लें, चाहे वो स्क्रिप्टेड हो। फेसबुक के ऊपर ये जो ऐसी चीज़ें चल रही हैं 100% तो नहीं, खैर 70-80% स्क्रिप्टेड होती हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं ये सारे बंदे, हमारे साथ हैं ये सारे पेजेस। और फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी इमोशनल स्टोरीज वाले पेज को भी आपको बता दूं कि कोई पेज है जो कि इमोशनल स्टोरी अपलोड कर रहा है, कि खुद जो है वो माइक लेके बाहर निकला हुआ है और लोगों की स्टोरीज जो है वो बता रहा है, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज स्क्रिप्टेड भी होती हैं, खुद बनाई गई होती हैं और वो आपको इसी तरह दिखाई गई होती हैं ताकि आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो और वीडियो जो है वो ज़्यादा ज़्यादा व्यूज़ ले सके और ज़्यादा ज़्यादा पैसे बन सकें। तो सारी गेम मसाले की है, जितना मसाला डालोगे उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे।
یہ مسائل والی بات تو کریکٹ ہے کیونکہ ہم نے ایک دو پوڈ کاسٹ بنائے تھے سرکاسٹک, اور ان سرکاسٹک پوڈ کاسٹ میں یہ تھا کہ وی ٹرائی ٹو یو نو ایکسپوز دا امیزون گروز, ایک یہ تھا. دوسرا جو تھا وہ تھا شادی اور انجینئرنگ, کہ انجینئرنگ کروں یا شادی کروں, اور ایک ہم نے بنایا تھا موٹیویشنل اسپیکرس کے اوپر, تین ہم نے بنائے تھے. میرے پورے انسٹاگرام کی لائف میں, مطلب میں نے انسٹاگرام بنائے ہوئے 10 سال مجھے ہو گئے, لیکن 10 سالوں میں میرے 1000-2000 فالوورز بنے 7-8 سالوں کے ٹائم پہ, مطلب 9 سالوں کے ٹائم پہ, اور اس ایک ویڈیو نے مجھے تقریباً 3 مہینوں میں کوئی 7-8 ہزار فالوورز لا کے دیے, اور اس کے ایک ویڈیو کے اوپر 1.8 million ویوز ہیں, اور میں نے کوئی بڑے بڑے سیلیبریٹیز انڈیا کے, وہ انڈیا میں بڑی چلی ہے ویڈیو, تو انیل کپور کا لائک بھی آیا ہوا تھا اس کے اوپر, اس کے ویریفائڈ پروفائل سے. تو اس طرح سے یعنی کہ آپ اور میں اتنے کام کی باتیں کرتا ہوں فیس بک کے اوپر, اتنے لمبے لمبے پرفڑے لکھتا ہوں, لیکن وہ کوئی نہیں دیکھتا. صحیح ہے. تو یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ نے اسٹارٹ میں ذکر کیا کہ ان اسٹریم ایڈس پاکستان میں نہیں چلتا, تو یہ سب سے پہلے تو نہ چلنے کی وجہ کیا ہے, اور چلوانے کے لیے کیا کیا پروسیسز ہیں جس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے اپنے پیج پہ مونیٹائزیشن آن کرنے کے لیے؟ اچھا, ان اسٹریم ایڈس پاکستان میں نہیں ہے, تو اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی اسٹوری ہے کہ پاکستان کی پالیسیز اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ, کیونکہ فیس بک نے جب انسٹریم ایڈس کے لیے وہ انڈیا گیا, بنگلہ دیش گیا, تو اس نے پاکستان کو اپروچ کیا, لیکن پالیسیز کچھ ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آیا. سب سے پہلی بات, جیسے پے پال نہیں آتا, پے پال آنے کی ٹرائی کرتا ہے لیکن پالیسیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا. پالیسی آپ نے پڑھی ہے کچھ, سرچ کیا آپ نے اس کے اوپر؟ پالیسی ہم نے پے پال کے اوپر تو بڑی ریسرچ کی ہے کہ پے پال کی پالیسی, وہ تو اسٹیٹ بینک جو ہے نا, وہ اپنا ڈیٹا, پے پال اپنا ڈیٹا اسٹیٹ بینک کو نہیں دے سکتا, انہوں نے یہ مانگا تھا. لیکن انسٹریم ایڈس کا کیا سین ہے؟ انسٹریم ایڈس کا یہی سین ہے کہ جو اگر آپ بیک جاؤ نا 2009-2010 میں, اور آپ فیس بک کے اوپر, آپ گوگل کے اوپر جا کے لکھ لو کہ مارک زکربرگ پہ ایف آئی آر پاکستان میں, تو وہ آپ کو, آپ ایک ایف آئی آر آپ کو نظر آئے گی کہ مارک زکربرگ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہوئی ہے, اور یہ 2010 میں فیصلہ آباد کے کسی بندے نے جو ہے نا ایف آئی آر کی تھی. اچھا, وہ ایف آئی آر اس لیے کی تھی کہ کسی بندے نے ناؤز باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف جو ہے وہ پوسٹ لگائی, اور بندے نے جا کے مارک زکربرگ پہ ایف آئی آر کر دی کہ بھائی یہ جو ہے یہ مارک زکربرگ نے کیا سب کچھ, اور اس کے اوپر جو ہے, خیر وہ ایف آئی آر بعد میں جب وقار زکا نے اس کو بڑا اٹھایا تھا, اس نے بڑی کوشش کی تھی اس کو ختم کرنے کی, تو وہ ایف آئی آر ختم ہوئی. ختم ہونے کے بعد پھر انسٹریم ایڈس جو ہے وہ پاکستان میں آنے کی فیس بک نے کوشش کی, لیکن ابھی وہ نہیں آ سکتی. ابھی بیک ہینڈ پہ پروسیس چل رہا ہے اور کسی کو کچھ نہیں پتا, شاید کل آ جائے, شاید اگلے آنے والے 2 سالوں میں نہ آئے. تو اس کے لیے فیس بک کو کیا ایسا چاہیے اس کو پاکستان میں لانے کے لیے, اور پاکستانی حکومت کو کیا کرنا چاہیے ایسا کہ وہ آ جائے, مطلب کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ یہاں پہ دونوں جو ہے نا, وہ فیس بک کہتا ہے کہ جب تک میرے پاس انف ایڈورٹائزر نہیں ہوگا تب تک میں انسٹریم ایڈس پاکستان میں لے کے آؤں گا, کیونکہ انسٹریم ایڈس سارا ایڈورٹائزر کے اوپر کام ہے. اب اتنا ایڈورٹائزر ہے پاکستان میں کہ ہم خود بھی, میں کوئی بھی ویڈیو کھولوں نا تو مجھے ایک ایک ویڈیو کے اندر 2-2, 3-3, 4-4 ایڈس دکھاتا ہے. اور پاکستان میں اب اتنا ایڈورٹائزر ہے کہ انسٹریم ایڈس پاکستان کے اندر آ سکتا ہے, اور تو کافی زیادہ ایڈورٹائزر ہے, تھوڑا ایڈورٹائزر نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے, آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ کوشش نہیں کر رہی, گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. یہ بلاول بھٹو کی آپ نے پچھلے دنوں پوسٹ دیکھی ہوگی کہ اسٹارز مونیٹائزیشن, اسٹارز مونیٹائزیشن پاکستان کے اندر آ گئی ہے, تو یہ بھی تھوڑا سا لوگوں کو نا دیکھ کے چیز کرنی چاہیے. اب بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ گئے اور وہاں پہ کافی اچھی بات ہے, انہوں نے اس چیز کے اوپر کام کیا اور اسٹارز کی مونیٹائزیشن پاکستان میں آن کروائی. اچھا, لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ اسٹارز کی مونیٹائزیشن تھی, لوگ اس کو انسٹریم ایڈس کی مونیٹائزیشن سمجھ کے اپنے پیجز کو اپلائی کر دیا لوگوں نے, اور وہ پیجز پری انرولمنٹ چلے گئے. مطلب وہ سارے پیجز جو ہیں وہ اب جب تک پاکستان میں مونیٹائزیشن نہیں آتی تب تک مونیٹائز نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو ہمارے لوگ بھی جو ہیں وہ چیزوں کے اوپر ریسرچ کیے بغیر جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ پیجوں کو ٹکا ٹک اپلائی کر دیتے ہیں, کیونکہ پچھلے دنوں جب وہ اسٹارز کی مونیٹائزیشن آن ہوئی تھی تو سب کو یہی لگ رہا تھا کہ پاکستان میں مونیٹائزیشن آن ہوگی, انسٹریم ایڈس کی بس یہ کل آ رہی پرسوں آ رہی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ابھی اسٹارز آپ پاکستان سے چلا سکتے ہیں پاکستانی, لیکن اگر آپ نے انسٹریم ایڈس کے اوپر کام کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے تو جو ایلیجیبل کنٹریز ہیں, ایلیجیبل کنٹریز میں ڈھیروں کنٹریز ہیں اور پاکستان کو چھوڑ کے, آپ وہاں کی کسی کنٹری میں اگر آپ کا کوئی جانے والا ہے تو وہاں پہ آپ کوئی پی سی اس کے پاس رکھوا لو, کوئی لیپ ٹاپ رکھوا لو, یا ورچوئل سرورز بھی ملتے ہیں, وہ ورچوئل سرور آپ جو ہے وہ لے کے اس کے تھرو کام کرو,
और काम करने के बाद पेमेंट तो अब बड़ी आसान होगी। पाकिस्तान में वाइस आ गया, पायनियर आ गया, ये सारे बैंक्स हैं जिनके अंदर हम पेमेंट ले सकते हैं। सिर्फ लोकेशन का मसला होता है, वो लोकेशन आपका सर्वर लेने से, वर्चुअल सर्वर लेने से या कोई इंडेक्स वगैरह से आपका मसला ठीक हो जाता है। तो ये बताएं कि जो प्री एनरोल वाली कहानी आपने सुनाई ना कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और प्री एनरोल में चला गया, तो ये व्हाट इज़ दिस प्री एनरोल? अच्छा, ये तो खैर आपने बता दिया, ये प्री एनरोल से निकलने के लिए क्या प्रोसेस है, किस तरह से पेजेस लोग प्री एनरोल से निकालेंगे? प्री एनरोल से निकलने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। प्री एनरोल में ये है कि आपने पे आउट पाकिस्तान का बना दिया तो फेसबुक ने कह दिया कि भाई आप जो है वो सर। अच्छा, अब सारी गेम पीछे बैक एंड के ऊपर पे आउट की है इस प्री एनरोल वाले, उसके अंदर लोकेशन की नहीं है, पे आउट की है, क्योंकि लोकेशन बाद में भी चेंज हो सकती है। अब हम आपका पेज फॉर एग्जांपल कोई बाहर चल रहा है और उसको आप पाकिस्तान में लेके आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब हो गया, वो सिर्फ उसके ऊपर जो है वो लोकेशन आपने पाकिस्तान की लगाई है और जब तक पाकिस्तान में रहेगा तब तक पेज डीमोनेटाइज है, जैसी बाहर जाएगा दोबारा से मोनेटाइज हो जाएगा। तो लोकेशन का मसला नहीं है प्री एनरोल के चक्कर में, पे आउट का मसला है। अच्छा, वो प्री एनरोल से निकालने के लिए पे आउट को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, पे आउट को एक पेज को एक पे आउट से निकाल के एक पे आउट से पेज को निकाल के दूसरे पे आउट के अंदर। व्हाट इज दिस पे आउट? फिर उसके बाद आप आगे। अच्छा, पे आउट जो है वो एक वॉलेट है। जैसे अक्सर लोग यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं तो यूट्यूब के ऊपर एक एडसेंस अकाउंट होता है, ठीक है, वो एडसेंस अकाउंट जैसे वहाँ पे एडसेंस अकाउंट होता है तो यहाँ पे आउट होता है। अच्छा, पे आउट एक वॉलेट है, आप एक पे आउट के अंदर आपकी डिटेल्स होती हैं, आपका बैंक अकाउंट होता है, आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और आप एक पे आउट के साथ मल्टीपल फेसबुक पेजेस को अटैच कर सकते हो। आप एक पे आउट के साथ एक पेज को भी अटैच कर सकते हो, आप एक पे आउट के साथ मल्टीपल, जैसे एक एडसेंस के साथ मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स भी अटैच हो सकते हैं। ओके, तो पे आउट सिर्फ वही है जिसके अंदर बैंक लगा होता है और जिसके थ्रू फेसबुक आपको पे करता है। अच्छा, आप जो बता रहे थे आप उसको जारी रखिए, जो आप पहले। अच्छा, वो पे आउट जो है वो अगर आपका पाकिस्तान का बना हुआ है तो आपने वो पाकिस्तानी पे आउट से पेज को निकाल के किसी बाहर के पे आउट के अंदर पेज को ट्रांसफ़र करना है, जिसका एक प्रोसेस है, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। एक फॉर्म फिल करने के बाद उसको जो है वो रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है फेसबुक को, फेसबुक की सपोर्ट टीम से बात करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है, आपका पे आउट ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके बाद 1 से 2 दिन लगते हैं वो प्री लोड ख़त्म होने में, प्री लोड ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि किस किस्म का कंटेंट। अच्छा, हमने अक्सर ये भी सुना है ना कि मैं लॉग्स बनाने लगा, वीडियोस वगैरह अपने फ़ोन से ही अपनी वीडियोस बनाने लगा, तो मुझे लोग कहते रहते थे यार कि बड़े पैसे छाप रहे हो आजकल फेसबुक से, है ना। हालांकि फेसबुक से उस टाइम पे तो मोनेटाइजेशन का तसव्वुर ही नहीं था, ये तुम इसीलिए बनाते हो कि तुम पैसे छापते हो। तो इसी तरह से सिमिलरली एक दोस्त ने स्टार्ट किया, फेसबुक पेज पे वीडियोस डालना शुरू किया, मैं तो प्रोफाइल पे डालता था, वो भी मोनेटाइजेशन वगैरह उसने ऑन करवाई थी कुछ जुगाड़, क्योंकि वो अमेरिका आता जाता था। तो सीन ये हुआ कि वो कहता था यार बहुत कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो उर्दू का कंटेंट बनाता था। तो ये उर्दू के कंटेंट पे एक पैसे क्यों कम मिलते हैं, वो जब आप इंग्लिश का बनाते हो उसमें पैसे ज़्यादा क्यों मिलते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल उर्दू का कंटेंट पाकिस्तान में देखा जाता है, और पाकिस्तान में जब देखा जाता है और मैं अगर एक एडवर्टाइज़र के तौर पर फेसबुक के ऊपर एड लगाऊँ तो मैं जारी बात है फेसबुक को PKR में पे करूँगा, अपनी लोकल करेंसी के अंदर पे करूँगा, जो कि और इस यहाँ पे सारी गेम पीछे एड्स की। अच्छा, करेंसी की मतलब एड सस्ता है, इसीलिए यहाँ पे जो क्रिएटर है उसको पैसे भी कम मिलते हैं। अच्छा, USA के अंदर जो भी एडवर्टाइज़र है वो US डॉलर के अंदर पे कर रहा है फेसबुक को, एड महंगा है तो जो क्रिएटर है उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो सारी गेम जो है ये एड्स की है, और एड्स के ऊपर जो भी, क्योंकि फेसबुक का यही सारा सिस्टम है कि फॉर एग्जांपल मैं एडवर्टाइज़र हूँ, आपकी वीडियो है, आपकी वीडियो के ऊपर जितना भी एड चलेगा मेरा, उसमें से 55% क्रिएटर का, 45% फेसबुक का। हर वीडियो के अंदर 45% फेसबुक ले रहा है, फेसबुक जो है वो हर वीडियो के अंदर 45% अपना रखता है, ठीक है, जिसकी वजह से फेसबुक काफ़ी ज़्यादा बिजनेस कर रहा है सिर्फ एक इस इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। तो सारी गेम एडवर्टाइजर्स के ऊपर है, आपकी वीडियो बाहर चलती है ज़्यादा पैसे बनते हैं, CPM अच्छा आता है, RPM अच्छा आता है, तो इसका मतलब है कि बाहर एडवर्टाइज़र ने ज़्यादा पैसे पे किए हैं, पाकिस्तान में एडवर्टाइजर ने कम पे किए हैं। अच्छा, अगर आपकी वीडियो उर्दू में है और उसको जो देखने वाली ऑडियंस है वो अमेरिका में बैठी है, तब आपको डेफिनेटली पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। ओके, सही है। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि आपने अपना भी कोई इंक्यूबेशन सेंटर खोला है, जिसमें आप अपना स्टूडियो भी खोला है आपने, जिसमें आप कंटेंट बनाते हैं। यस यस। और उसमें आप कह रहे थे कि कुछ ऐसा कंटेंट भी जिसमें शक्ल भी नहीं आती बोलने वाले की, ना उसकी आवाज़ आती है और म्यूज़िक होता है पीछे।
اور اس سے اچھا وہ سب سے زیادہ پیسے کماتی ہے وہ ایسی ویڈیو. ہاں یہاں پہ ہم جو ہے وہ 2 سے 3 قسم کے کانٹینٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا جس کے اندر شکل نہیں آتی یا جو ایسا کانٹینٹ ہے وہ ایک ٹیم کے ساتھ بنتا ہے ہمارا. اگر بندہ اکیلا بھی بنانا چاہے اکیلا بھی بنا سکتا ہے لیکن وہ ٹیم کے ساتھ بنتا ہے. اور اب اس کا ٹرینڈ آہستہ آہستہ پاکستان میں نکلنا جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو گیا. اب ٹرینڈ کیا ہے؟ ٹرینڈ یہ کہ اس اسٹوڈیو کے اندر کوئی بھی چیز ہے, فار ایگزامپل یہ بوتل ہے, موبائل فون ہے ہمارے پاس, یہاں پہ کوئی بھی چیز ہے, تو اس کی میکنگ یا ریپیئرنگ یہاں پہ آس پاس کہیں پہ ہو رہی ہوگی, مینوفیکچرنگ یا ریپیئرنگ. اور یہ چیز گورا بڑے شوق سے دیکھتا ہے کسی بھی چیز کی میکنگ اور کسی بھی چیز کی مینوفیکچرنگ. آپ کیمرہ لے کے چلے جو آپ کے آئی فون ہے یہ ریپیئر ہو رہا ہے اور اس کا بندہ اسکرین چینج کر رہا ہے اور آپ اوپر کیمرہ لگا کے پیچھے میوزک لگا کے اس کی اگر ویڈیو بناؤ اور ویڈیو بنانے کے بعد یوٹیوب کے اوپر لگاؤ, فیس بک کے اوپر لگاؤ, تو آنے بعد جو ہے وہ یو ایس سے آپ کو ویوز آتے ہیں, یو کے سے ویوز آتے ہیں. تو ایسے ہی مشینری کانٹینٹ میں ہر چیز کی مینوفیکچرنگ, اس کمرے میں جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں سب کی مینوفیکچرنگ بھی ہوتی ہے, ریپیئرنگ بھی ہوتی ہے. اور اس کے اوپر اتنا بے شمار کانٹینٹ ہے جو کہ بن رہا ہے اور بنایا جا سکتا ہے. اور اگر آپ ہیوی اکوپمنٹ کی طرف آؤ تو یہاں پہ آپ کے پاس روات ہے, روات کے بعد ترنول ہے, جہاں پہ ٹرکس ریپیئرنگ ہو رہی ہے, ہیوی مشینری ریپیئرنگ ہو رہی ہے, جو مشینری کنسٹرکشن میں استعمال ہوتی ہے اس کی ریپیئرنگ ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ گورے کو بڑا کنیکٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اس ویڈیو کے ساتھ. اور وہاں پہ ویڈیوز چلتی ہیں, وہاں پہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, دیکھی جاتی ہیں. تو مثال کے طور پہ اپورچونیٹیز کی بات کرتے ہیں, اس والے اس پہ میں آؤں گا کہ کون کون سا کانٹینٹ زیادہ چلتا ہے, اس سوال کے اوپر میں دوبارہ آؤں گا. لیکن ابھی راولپنڈی اسلام آباد میں رہنے والے لوگ, بیکاز یو لیو ہیئر, آئی لیو ہیئر, ہمیں پتا ہے کون سی جگہ کدھر ہے. تو اگر کسی نے کہنا ہو کہ یار میں کمانے پیسے کانٹینٹ سے اور میں کہاں جا کے اس طرح کا کانٹینٹ ریکارڈ کروں, سو کون کون سی جگہ ہیں؟ اچھا تو میں آپ کو صرف ایک ہی جگہ کا نام بتاتا ہوں, ترنول. ترنول, اوکے, ترنول چلے جائیں, وہاں پہ ٹرکس ریپیئرنگ ہوتی ہے. اوکے, اور آپ اس منظر کو دیکھ کے نا ایک دفعہ آپ شاک ہوں گے. کیوں؟ کہ ایک ٹرک ریپیئر ہو رہا ہے, اوکے, اور اس کے آس پاس کوئی 25-30 کیمرہ مین ہے جو کہ کیمرے لگا کے کھڑے ہیں. مطلب پاکستان میں پہلے سے پہنچ گئے لوگ, پہلے سے پہنچے ہوئے. مطلب ان 25-30 بندوں کے یوٹیوب چینلس چل رہے ہیں, ان 25-30 بندوں کے فیس بک پیجز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان میں, مطلب پوری دنیا میں اگر یہ کانٹینٹ نکلتا یا دیکھا جاتا تو پروڈیوس اس کانٹینٹ کو پاکستان کر رہا ہے. اچھا, آپ کو وہاں پہ وہ منظر دیکھ کے شوق ہوں گے کہ اتنے بندے جو ہیں اس چیز کو کور کر رہے ہیں, اس چیز کو جو ہے وہ. مطلب ابھی خان صاحب کی پریس کانفرنس ہونا تو اتنے کیمرہ مین شاید اس کے پیچھے بھی نہ ہو جتنے کیمرہ مین ادھر ٹرک کے پیچھے, اس ٹرک کے پیچھے ہوں گے. ٹرک کی بتی تو سنا تھا, لیکن ٹرک جو ہے وہ پیسے بڑے بنا کے دیتا ہے, وہ ٹرک جو ہے وہ سی پی ایم بڑا, کیونکہ گورا دیکھتا ہے اور پوری دنیا میں کانٹینٹ چلتا ہے. تو یہ کس طرح کے ٹرک, مطلب مشین سے ٹرک بناتے ہیں, ٹرک ریپیئر ہوتے ہیں؟ ریپیئر ہوتا ہے. اچھا, کوئی بھی پارٹ ہے اس کو چینج کرنا ہو تو اس کو چینج کرنے کی پوری ویڈیو ہے. اور ٹائٹل یہی لگتا ہے کہ ہاؤ ٹو چینج, فار ایگزامپل ٹائر چینج کر رہے ہیں تو ہاؤ ٹو چینج ٹائر آف ہیوی ٹرک. اچھا, پوری ویڈیو بنتی ہے. اور ٹرک آرٹ جو ہوتی ہے اس کی بھی بناتے ہیں ویڈیوز یا نہیں؟ ٹرک آرٹ کی بھی بناتے ہیں, ٹرک آرٹ کی بھی ویڈیو. تو یہ صرف ایک جگہ ہے ادھر, مطلب آپ ترنول کی بات کریں, آپ روات میں چلے جاؤ تو یہاں مینوفیکچرنگ بہت زیادہ. اب یہاں پہ دو قسم کے کانٹینٹ ہے نا, مینوفیکچرنگ اور ریپیئرنگ. اوکے, ریپیئرنگ کے لیے, ہاں ریپیئرنگ کے لیے آپ ترنول جو, لیکن یہاں پہ صرف ہیوی مشینری کی ریپیئرنگ ہے. اگر آپ نے دوسری مشینری کی ریپیئرنگ دیکھنی ہے, چھوٹی مشینری کی, تو آپ کو کوئی لوکل شاپ ڈھونڈنی پڑے گی. اس کے بعد آپ جو ہے وہ روات والی سائڈ پہ چل جاؤ, یہاں پہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں مینوفیکچر ہوتی ہیں جا کے ان کی ویڈیوز بناؤ. یہاں پہ اینٹیں یہاں بنتی ہیں, ٹائلیں یہاں بنتی ہیں, ہر چیز. اور ہر چیز کو بنانے کا ایک پروسیس ہے, اینٹ کو بنانے کا ایک پروسیس ہے, اور وہ پروسیس آپ پورا کور کرتے ہو نا A to Z, تو ایک بڑی مزے کی ویڈیو بن جاتی ہے جو کہ کافی زیادہ ویوز لیتی ہے, کافی زیادہ دیکھی جاتی ہے. آئی فاؤنڈ اٹ ویری اٹریکٹیو. یہ ٹویوٹا پاکستان جو ہے, کچھ یوٹیوبرس کبھی کبھی جاتے ہیں نا, اور یہ ہونڈا کے اس میں جہاں پہ گاڑیاں بنتی ہیں سندھ میں ہی ہیں ان کے پلانٹس وغیرہ, تو وہاں پہ جب گاڑی کا چیسس پورا الٹا ہو کے نیچے پانی میں اس کو ڈبکی دیتے ہیں, اس کو کلر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ سیدھا ہوتا ہے, پھر وہ سوکھا ہوا آتا ہے, وہ 2 دن سے پڑا ہوا ہوتا ہے, سوکھ جاتا ہے وہ, پھر اس کے اوپر پارٹس لگتے ہیں, انجن لگتا ہے نا,
तो वो आपको वैसी सर्टिफिकेशन देती है, हाँ जिस गाड़ी में मैं बैठता हूँ, मैं चलाता हूँ, वो गाड़ी इस तरीके से बनती है. सो इट इज़ ऑलवेज एंगेज इन एग्री विद दैट. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक क्रिएटर है पाकिस्तान में, मुल्तान के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अच्छा, अच्छा उनका एक पेज है जो कि इसी मैन्युफैक्चरिंग वाले कॉन्टेंट के ऊपर है और बहुत अच्छा पेज चल रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे हैं. और वो खैर अपने आप को शो नहीं करते, डिस्क्लोज़ नहीं करते, सामने नहीं आना चाहते. खैर उन्होंने एक वीडियो बनाई. अच्छा, वो वीडियो जब वीडियो बनाने लगे तो उन्होंने बाइक की मैन्युफैक्चरिंग की वीडियो बनानी थी और वो मेट्रो वाले के पास गए, मेट्रो बाइक्स वालों के पास. अच्छा, अच्छा मेट्रो बाइक्स वालों ने पहले तो इजाज़त नहीं दी और उसके बाद जब इजाज़त दी तो चलो खैर उन्होंने वीडियो बना ली. अच्छा, वीडियो बनाने के बाद जब वो वीडियो आके फेसबुक के ऊपर अपलोड हुई तो बाइक ऐसी चीज़ है जो कि हर बंदा डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करता है और वो बंदे की लाइफ के साथ. अच्छा, वो बनने की वीडियो थी स्टार्ट से लेकर एंड तक कि बाइक कैसे बनाई जाती है. अच्छा, उस वीडियो पे 300 मिलियन व्यूज आए, 300 मिलियन व्यूज. और जो बना रहा था बाइक उसकी शर्ट पे मेट्रो लिखा हुआ, मतलब जो वर्कर काम कर रहे हैं तो उन सबकी शर्ट पे मेट्रो लिखा हुआ है. तो मेट्रो की इतनी बाइक्स बिकी, इतनी प्रमोशन हुई मेट्रो की कि अब मेट्रो वाले वो उनको जो है वो हर अपने इवेंट के ऊपर, हर अपने जगह के ऊपर उनको स्पेशल दावत देते हैं आपने उस यूट्यूबर को, उस यूट्यूबर को. तो ये जो है ये अगर कोई बंदा इसको सही तरीके से लेके चले तो उसमें प्रमोशन भी काफ़ी ज़्यादा है, अगर व्यूज़ आते हैं तो प्रमोशन भी होती है. नाइस. तो आप अभी बना रहे हैं अपने इंक्यूबेशन में, एक तो ये जो आप वीडियोस की बात कर रहे हैं प्रिपेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग वाली. नहीं, इंक्यूबेशन डिफरेंट है. इंक्यूबेशन के अंदर हम जो है वो लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, सिखाते भी हैं. यस, ये जो सारी चीज़ें हमारे अपने स्टूडियो के अंदर चल रही हैं. हमारा जो अपना स्टूडियो है और हम जो है वो न्यूज़ के ऊपर भी काम करते हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर भी काम करते हैं. हमारे पास एक रिपोर्टर्स की टीम है, कैमरामैन की टीम है, उसके बाद ये मशीनरी कॉन्टेंट के ऊपर काम करते हैं. बाकी जो इंक्यूबेटर है वो जो है वो सिखाने के लिए सिर्फ, उसमें हम लोगों को टीच करते हैं, सिखाते हैं. सही है. तो अभी जो करंटली आपका है ना कि आप वो भी बनाते हैं, जो आप अपना कंटेंट बनाते हैं. yes. तो वो आपका अपना कंटेंट मेरे ख्याल से आपने भी बनाना कम कर दिया, या मतलब क्योंकि मैं स्टार्ट में आपको देखता था ना, आप काफ़ी ज़्यादा बड़े पेजेस होते थे आपके पास और बड़ी ज़्यादा वीडियोज़ आप डालते थे उसके ऊपर, तो क्या अभी कम कर दिया है या मतलब छुप गया थोड़ा सा? क्यों अब थोड़ा सा ना, क्योंकि नहीं स्टार्ट में व्हाट आई ऑब्जर्व्ड के आप ना और लोगों की वीडियोस अपलोड करके उससे वो करते थे, दैट वाज आल्सो अ थिंग. लेकिन आपने वक्त के साथ मतलब वो हमने स्टार्ट नॉन ओरिजिनल से ही लिया, नॉन ओरिजिनल कंटेंट, जो कि ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता, जो कि फॉर एग्जांपल रैंडम वीडियोस होती हैं जिनको हम अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद उसके ऊपर जो है वो पैसे बनाते हैं. और अभी भी चल रहा काम, लोग पैसे बना रहे हैं और हमारा भी कभी कभी दिल करता है तो हम जो है वो पैसे जो है वो बना लेते हैं. लेकिन वो एट द एंड मैं काफ़ी जगहों पे बता चुका हूँ और कह चुका हूँ कि ये चोर पुलिस का खेल है. आसान लफ्ज़ों में ये चोर पुलिस का खेल है और फेसबुक भी चाहता है कि आपके खेल खेलो उसके साथ. क्योंकि फेसबुक के पास जो इतनी ट्रैफिक है, इतने यूज़र्स हैं, उसको उसने एंटरटेन करना है और उसको सिर्फ इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, उसको सिर्फ ऐसा कंटेंट चाहिए जिसके ऊपर लोग टिक के देखें. अच्छा, इतना ओरिजिनल क्रिएटर तो है नहीं फेसबुक के ऊपर, तो ये फेसबुक खुद ये चीज़ों को प्रमोट करता है. आप फेसबुक स्क्रॉल करते होंगे, आपको अक्सर जो है अनओरिजिनल सारा अनओरिजिनल मूवीज़ ये वो लटरम पटरम ये सारी चीज़ें आती होंगी, तो फेसबुक की मजबूरी है और ये चीज़ करना. अच्छा, फेसबुक भी करता है और उसके बाद जो इस इंस्ट्रीम एड्स के ऊपर काम करते हैं वो भी, इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है. आप कभी सर्च करें ना, कभी देखें तो आपको ऐसी कम्युनिटी मिलेगी जिसके अंदर 1-1 लाख बंदे, 50-50 हज़ार बंदे, सारे फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सारे जो है वो नॉन ओरिजिनल कंटेंट लगा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है. लेकिन ये चीज़ आपको पैसे जनरेट करके देती है, आपको इन्वेस्टमेंट जनरेट करके देती है जो कि आप किसी लॉन्ग टर्म बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो. ठीक है, अब हमारे केस में इधर से इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद लॉन्ग टर्म बिजनेस हमारे अपने काम में ही था, जो कि था कंटेंट, अपना स्टूडियो, हमारा कंटेंट. और क्योंकि इसका फ्यूचर ब्राइट है कंटेंट का ना, इसमें ब्रांड वैल्यू बन जाती है. आप जिस पेज के ऊपर काम कर रहे हो उसका ब्रांड एक बन जाता है, उस पेज पे फॉलोअर्स लाने के बाद आपने उधर कोई चीज़ बेचनी है, आप चीज़ बेच सकते हो, आपने उधर कंटेंट दिखाना है, कंटेंट दिखा सकते हो, जो मर्ज़ी करना है आपने, वो आपका अपना पेज होता है, आप उस पर कर सकते हो. ठीक है, तो हम बड़े अच्छे टाइम पे इस चीज़ के ऊपर शिफ्ट हो गए थे. अभी भी बड़ा अच्छा टाइम है फेसबुक, जो गैप है इन चीज़ों का. और हम जो है वो अब ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर, ये कि हमें पता है कि इसके ऊपर जो है ये टीम है, ये इधर काम कर रही है और इसने महीने के इतने पैसे जनरेट करके देने ही देने हैं,
जबकि नॉन ओरिजिनल कंटेंट के अंदर क्या है कि हम काम करेंगे तो शायद उससे ज़्यादा पैसे उधर बना लें, लेकिन वो चोर पुलिस का खेल है वो, जब तक क्योंकि हाँ अगर आप भी जो है वो ये काम कर रहे हो ना तो एक जो है ना वो कैसे मैं उसको बताऊं कि एक सेटिस्फेक्शन जो है ना वो एक टाइम पे आके बंदे की पैसे से पूरी नहीं हो रही होती। पैसा तो आ रहा होता है लेकिन बंदा सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता, कंटेनमेंट सेल्फ कंटेनमेंट फील नहीं होता, तो उस केस में जाके ना बंदा फिर अपने आप को चेंज करता है, अपने आप को स्विच करता है। तो नॉन ओरिजिनल आपको पैसे देगा, बहुत अच्छे पैसे देगा, शुरू में आपको बड़ा मजा आएगा, आपको पैसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे पैसे आ रहे, लेकिन एक टाइम पे जाके आप थक जाओगे। अब आप कहोगे कि ऐसा काम हो जो लाइक वो प्रोडक्टिव नहीं है, कोई मेरे आस पास का जो इन्वायरमेंट है या जो मैं जिस चीज़ में काम कर रहा हूँ उसमें कोई वैल्यू एड नहीं करना, उसके बाद आप जो है वो कहोगे कि उसको कुछ टाइम करने के बाद कि आप कोई ऐसा काम हो कि जो लॉन्ग टर्म हो, जो कि ना टेंशन ना हो, जिसके ऊपर वो जो है ना लंबा अरसा चल सके। फिर जो है वो सर ये बताएं कि फेसबुक जो है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता, खैर मेरा ज़्यादा आपके साथ फेसबुक के ऊपर है क्योंकि यू आर वर्किंग ऑन फेसबुक, पेज में और प्रोफाइल में फेसबुक आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क ख़त्म कर रहा है, उसकी वजह क्या है और किस हद तक फ़र्क ख़त्म हो गया और कितना ख़त्म होगा, मतलब क्या देखते हैं आप फ्यूचर? अच्छा पेज था तो जो आम फेसबुक यूज़र है ना उसको नहीं पता कि फेसबुक से पैसे कैसे कमाए जाते हैं और क्या, अब जब उसने प्रोफाइल के ऊपर ये चीज़ दी तब हर बंदे को समझ आ गई वो मैं फेसबुक से पैसे बना सकता हूँ, फेसबुक की मेरे प्रोफाइल के ऊपर मोनेटाइजेशन आ गई। अच्छा वो इसके ऊपर लेके आए प्रोफेशनल मोड, प्रोफाइल के ऊपर भी आप पैसे तभी बना सकते हो जब उधर एक ऑप्शन आता है प्रोफेशनल मोड का, उसको आप ऑन करो। आपने प्रोफेशनल मोड को ऑन किया, आपके सारे फ्रेंड्स फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा उसका क्राइटेरिया है 5000 फॉलोअर्स, 60000 मिनट्स का वॉच टाइम, 5 एक्टिविटीज। ये क्राइटेरिया पूरा करके आप पेज अपनी प्रोफाइल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करो तो वो मोनेटाइज हो जाती है और पाकिस्तान से भी हो जाती है, प्रोफाइल आपकी पाकिस्तान से मोनेटाइज हो जाती है। अच्छा वो जब प्रोफाइल मोनेटाइज हो जाती है तब उसके ऊपर आप कंटेंट लगाते हो और उसके ऊपर एड्स चलते हैं, उससे आप पैसे कमाते हो। ये चीज़ होगी पेज के ऊपर भी सेम यही सिनेरियो है, पेज जब बनाते हो पेज के ऊपर 5000 फॉलोअर्स, 60000 मिनट्स का वॉच टाइम, 5 सेकंड वीडियोस लगाते हो, आपका पेज मोनेटाइज हो जाता है, पेज के ऊपर वीडियोस लगती हैं, पेज के ऊपर एड्स चलते हैं। अब प्रोफाइल और पेज, अब प्रोफाइल को लाने की फेसबुक को ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो रील्स की मोनेटाइजेशन प्रोफाइल के ऊपर देना चाहता था। जो फॉर एग्जाम्पल बड़े क्रिएटर हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो टिकटॉक के जो बड़े क्रिएटर्स हैं, हमारी शहर पाकिस्तान में जो है वो क्रिएटर्स हमारे पास बड़े क्रिएटर्स जेन में जो आते हैं वो जुल्कनैन आ जाएगा, जन्नत मिर्ज़ा आ जाएगी, ये क्रिएटर्स दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू, दे आर जस्ट खैर बड़े क्रिएटर हैं, बड़े क्रिएटर या दे हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, तो वो उनके पास फेसबुक प्रोफाइल्स है, वो वहाँ पे रील्स अपलोड करेंगे, वहाँ पे रील्स अपलोड करने के बाद वहाँ से पैसे बनाए। तो फेसबुक का मोटिव ये था कि मैं प्रोफाइल के ऊपर रील्स की मोनेटाइजेशन दूँ, लेकिन रील्स के साथ साथ उसने हर चीज़ की मोनेटाइजेशन दे दी, उसने स्टार्स की भी दे दी, उसने स्ट्रीम एड्स की भी दे दी और सब कुछ जो है उसने दे दिया। और प्रोफाइल के ऊपर रीच ज़्यादा है रील्स के ऊपर, अभी वीडियोज़ की रीच जो है वो पेज से अगर आप कंपेरिजन करो तो कम है। पेज जो है हाँ प्रोफाइल पेज जो है वो ज़्यादा रिकमेंड होता है, ज़्यादा सजेशन के अंदर जाता है। तो फ्यूचर में आपको लगता है कि ये सेम हो जाएगा आखिर में जाके या नहीं? जब प्रोफाइल के ऊपर एक चीज़ नहीं है, काफ़ी चीज़ें अभी वो मेटा वेरीफाइड भी आ गया, आपका ब्लू टिक है तो कोई अब वैल्यू नहीं रही इस ब्लू टिक की क्योंकि अब वो $14 के अंदर फेसबुक जो है वो बांट रहा है। यार ये तो बहुत बैड सीन हो गया है। अच्छा मेरा ब्लू टिक जाएगा तो नहीं? नहीं नहीं जाएगा। अच्छा। नहीं आपने वैसे न्यूज़ पढ़ी है कि मेटा वेरीफाइड $14 के अंदर? नहीं ट्विटर की पढ़ी थी, ट्विटर का तो उसने तो कर दिया इलॉन मस्क ने आके। ट्विटर के बाद फेसबुक ने भी यही किया है कि $14 फेसबुक ने फीस रखी है मेटा वेरीफाइड के नाम से, फेसबुक और इंस्टाग्राम आप जो है वो फेसबुक के अलहदा $14 देने, इंस्टाग्राम के अलहदा $14 देने और आप अपनी जो है वो ब्लू टिक वेरिफिकेशन। वैसे ब्लू टिक का फायदा क्या है? मतलब शशका है सिर्फ, बस सिर्फ शशका है, कोई डिफरेंस नहीं आता, रीच वगैरह कोई चीज इसमें नहीं आती, कुछ भी नहीं आती। अच्छा एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो मैंने हमेशा फेसबुक पे सुना है वो ये सुना है कि यार मेरे प्रोफाइल की रीच गिर गई है, तो रीच गिरने की वजूहत क्या है, क्या क्या हरकतें लोग करते हैं जिसकी वजह से रीच गिरती है प्रोफाइल की? एक तो ये है कि आप ग्राफिक कंटेंट डालते हैं, आप प्रोपेगेंडा करते हैं, आपको रिपोर्ट किया जाता है, वो अलग चीज़ है, लाइक वो तो सबको पता है। कौन कौन सी ऐसी माइनर माइनर सी चीज़ें जो करने से आपकी रीच गिरती है प्रोफाइल? अच्छा रीच जो है वो अब फेसबुक है ना प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिस टाइम पे इस पे काफ़ी ज़्यादा एड्स, एक टाइम होगा जिस पे काफ़ी ज़्यादा एड्स होंगे फेसबुक के पास और एक टाइम होगा जिस पे इसके पास एड्स नहीं होंगे।
ایڈس کی تعداد بہت کم ہوگی. اچھا وہ ایڈس کی تعداد جب کم ہوگی تو وہ آپ کی ویڈیوز کو زیادہ ریکمینڈ بھی نہیں کرے گا آگے لوگوں کو, کیونکہ اس کے پاس ایڈ ہی نہیں ہے تو ویڈیوز کے اوپر ایڈ چلائے گا کیا. ٹھیک ہے, اچھا یہ کیس ہوتا ہے ایک دن کے لیے, دو دن کے لیے یا میکسیمم تین دن کے لیے. اچھا آپ پچھلی ویڈیوز لگا رہے ہو, آپ کے ویوز آ رہے ہیں 50,000, 1,00,000, 50,000, 1,00,000, آپ ایک دن ویڈیو لگاتے ہو آپ کی ویڈیوز آ جاتے ہیں 10,000, اور آپ یہ سمجھ لیتے ہو 900,000 ویوز بھی ہو جاتے ہیں, آپ یہ سمجھ لیتے ہو کہ بھائی ریچ ڈاؤن ہو گئی ہے میرے پیج کی, میرا پیج خراب ہو گیا, اور اس کے بعد اگر آپ کنٹینٹ لگانا بند کر دو تو وہ تو ویسے ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے پیج. لیکن وہ صرف کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی ایسا ویسا کنٹینٹ اپلوڈ نہیں کیا, کہ میں اس کیس کے اوپر بات کروں. اگر آپ نے کوئی ایسا ویسا کنٹینٹ اپلوڈ کیا تب یہ جو ہے وہ کچھ کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے, جن کے اوپر کنٹینٹ نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے, کشمیر کا ایشو ہے, ٹی ایل پی ہے, یہ سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر ریلیجیس فینیٹزم, ریلیجیس ہو گیا آپ جو ہے وہ, مطلب یہ سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ بات کرو گے تو شاید فیس بک جو ہے وہ آپ کی آئی ڈی پہ ریسٹرکشن لگا دے. ٹھیک ہے, تو ان سارے ایشوز کو اوائڈ کرنا چاہیے. ایک لسٹ ہے وہ بہت بڑی, یہ ہم نے تو صرف دو چار نام لیے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک پوری لسٹ ہے جن جن ایشوز کے اوپر فیس بک نے کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اور وہ اس میں سے اگر کسی ایشو کے اوپر آپ نے بات کی ہے تب تو بنتا ہے ریچ ڈاؤن ہونا. میں نے یہ سنا ہے کہ لنک شیئر کرنا اپنے پروفائل, جو پوسٹ ہوتی ہے کوئی بھی آپ نے لگائی پیج پروفائل, اس کے اندر آپ نے کوئی لنک شیئر کیا, ہیش ٹیگز ڈالے, تو آپ کی ریچ گرا دیتا ہے, بیکاز یو آر مطلب یو آر وہ کیا کہتے ہیں ٹرانزیکٹنگ آڈینس فرام ون پلیٹ فارم ٹو اندر پلیٹفارم. یہ بھی ہوتا ہے آپ یوٹیوب, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, ان کے علاوہ کوئی بھی لنک ڈالو گے آپ کو جو ہے وہ شاید جو ہے وہ آپ کی ریچ گرا دے, کیونکہ آپ جو ہے وہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہے اور وہ ویب سائٹ جو ہے وہ فار ایگزامپل آپ یہاں سے ٹریفک اٹھا کے بار بار ادھر لے کے جا رہے ہو, ایک دو دفعہ تین دفعہ کرنے سے نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ بار بار یہ چیز کر رہے ہو نا تو اس کیس میں بھی آپ کی ریچ کے اوپر کافی فرق آتا ہے, فیس بک گرا دیتا ریچ. اوکے, سو ایسا کچھ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا وہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. اچھا, ہمیں جو ہے وہ ڈسکس جو ہے وہ اگر ہم انکیوبیشن کو دیکھیں تو انکیوبیشن کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. انکیوبیشن کا بتایا کہ انکیوبیشن میں آپ کیا کر رہے ہیں آج کل. اچھا, انکیوبیشن کے اندر جو ہے وہ ہم نے مطلب دو سال سے نا میں لوگوں کو سکھا رہا تھا, لوگوں کو بتا رہا تھا, اور اب جو ہے وہ سلسلہ ایسا ہے کہ مطلب اب میں شاید اس کو مہینے یا دو مہینے کے اندر بند کر دوں. ٹھیک ہے, انکیوبیشن کو کیونکہ ایک تو لوگوں کو سکھایا اور سکھانے کے بعد یہ کیونکہ میں نے بیچ میں فری ٹریننگ بھی تین چار مہینے پانچ مہینے میں نے فری مجھے بتایا بتایا تھا میں نے ساری ٹریننگ جو ہے وہ فری کر دی تھی. اچھا, فری کے اندر میرے پاس کیا مسئلہ تھا کہ سیریس بندے نہیں آتے تھے. اچھا, پیڈ کرو تو منجن, فری کرو تو سیریس بندے نہیں آنے. اب اس میں سلسلے کے اندر نا میں تھوڑا پھنس گیا کہ خیر میں جو ہے وہ فیس ہماری جو 55,000 تھی ایک مہینے کی, اب لوگ جو ہے وہ 55,000 ایک مہینے یا دو مہینے کی ہماری جو فیس اس کو سمجھ کے سمجھتے تھے کہ یہ بڑی زیادہ فیس ہے, اور وہ لیکن بیک اینڈ پہ بہت کم لوگوں کو یا جو آتے ہیں انہیں کو پتہ ہے, اب بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایسی فیس ہے جس کے اندر ہم مہینے کا ہاسٹل بھی دیتے ہیں, مہینے کا کھانا پینا بھی دیتے ہیں, ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں, ہم وہ ٹریفک بھی دیتے ہیں جس کے اوپر ہماری ملینز کی انویسٹمنٹ ہے, ہم جو ہے وہ ساری چیزیں دیتے ہیں, پیجز دیتے ہیں. تو اس کے اندر تو خیر ہم جیب سے لگا کے نا اس چیز کو چلاتے ہیں اس 55,000 کے اندر بھی, کیونکہ اسلام آباد جیسا شہر ادھر ایک مہینے کا ایک بندے کا کھانا اور ایک بندے کا ہاسٹل کے لیے آپ جو تو 30,000-35,000 تو آرام سے ایسے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے بعد خیر ہم نے جو ہے وہ فری ٹریننگ اسٹارٹ کر دی. فری ٹریننگ کے اوپر میں نے بڑا پیسہ لگایا, بڑا پیسہ ضائع کیا, اور ضائع کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ٹریننگ ہمارا ماڈل یہ تھا کہ ہم نے بندوں کو ٹرین کرنا ہے اور ٹرین کرنے کے بعد ان کو انٹرنشپ پہ اپنے پاس رکھنا ہے. ہم نے انٹرنشپ پہ اپنے پاس رکھا بندوں کو, اور انٹرنشپ پہ رکھنے کے بعد ہم نے ان کے اوپر انویسٹمنٹس کی تاکہ ڈالر زیادہ سے زیادہ آ سکے پاکستان میں, ہم بھی پیسے بنائیں, جو ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے وہ بھی پیسے بنائے, اور پاکستان میں زیادہ زیادہ ڈالر آ سکے. اچھا, وہ ہم نے کیا, ہم نے فار ایگزامپل ایک کلاس کے اندر 80 اسٹوڈنٹس, 80 میں سے اب
जब बैच ख़त्म होने वाला होता है तब मुझे समझ में आ जाती है, क्योंकि जो टीचर जो क्लास दे रहा होता है वो जब किसी बैच को 5-6-7-8 क्लासेस देना तो उसको सब समझ आ जाती है कि इसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी है, ये हाँ, ये सवाल कर रहा है, ये सवाल अटेंशन स्पैन कितना है, ये इतनी अटेंशन थी। अच्छा वहाँ से 5-6-7-8-10 बंदे निकाल लिए इंटर्नशिप के लिए। अच्छा निकालने के बाद अब उनको जो है वो सब कुछ दिया, उनको रहने की जगह दी, उनको खाना पीना दिया, उनको जो है वो काम किया, काम कराया अपने साथ, लेकिन जो विजन था, जो प्लान था, वो प्लान पूरा नहीं हुआ, क्योंकि लड़का तैयार होता था सीखता था भाग जाता था, लड़का तैयार होता था सीखता था भाग जाता था, लड़का तैयार काम करता था भाग के या नहीं करता था, काम करता था ओके okay. काम करने के बाद फॉर एग्जाम्पल काम करेगा तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना एक महीना काम करने के बाद जब काम सारा सीख लिया उसके बाद खली वाली और इस तरह जो है वो हमने फ्री ट्रेनिंग 6 महीने की और 6 महीने तक जो है ना वो बड़े बैचेस किए, लेकिन सीरियस लोग नहीं मिले। और सीरियस आपका कोई मेंटोर था इस पूरे प्रोसेस में, आपका यूअर नहीं था? मेरा okay. कोई मेंटोर नहीं था। तो आपको मेरे ख्याल से इसमें ना आपको मतलब ये मेरी सजेशन है आपके लिए, आपका मैंने सेटअप देखा था बड़े मज़े का था और मैंने सक्सेस स्टोरीज भी आपकी देखी है, सक्सेस स्टोरी तो मेरे सामने है तौसीफ भाई जी शायद उन्होंने अभी इधर कोई प्लॉट भी लिया है उसमें DHA में और उसने कमाया कोई अच्छे खासे पैसे, उसने बोनस से खाली कमाए, मैं कहूँगा कि $1-1.5 लाख तो उसने आराम से छापे। तो मेरे ख्याल से जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस था ना उसमें आपने टाइट स्क्रीनिंग नहीं की थी कि आप सीरियस बंदा, क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट स्कूल का पला बड़ा हूँ, कराची का लौंडा हूँ, तो हम मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में भी काम किया NGO वगैरह में भी, तो हमारे यहाँ ये होता था कि ट्रेनिंग्स के लिए हम पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करते थे, तो सिलेक्शन से पहले हम 3 इंटरव्यूज़ करते थे उनके साथ, 3 इंटरव्यूज़ on 3 different days। तो जो बंदा जो बच्चा अपीयर होता था 3 दिन लगातार इंटरव्यू के लिए और डिफरेंट वेन्यूज पे, तो हमें लग जाती थी पता कि भाई ये बंदा ही सीरियस शी सीरियस ले लो। तो एक टाइट ना आप करते हैं स्क्रीनिंग जब आप अपने जेब से पैसे किसी बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से कि आपने ना उस प्रोसेस में थोड़ा सा लैग किया जस्ट बिकॉज कि आपके सामने कोई आ गया, आपके सामने बंदे आ गए, आप थोड़ा सा वो नहीं था, हमसे इंटरव्यू हो जाते हैं ना, हाँ यार इसको भी ले आओ इसको भी ले आओ क्या पता इनमें से, तो आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है ना वो हमेशा टाइट होना चाहिए व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग ऑन समवन। ऐसी ऐसी है। और उसके बाद हमने जो है वो अब हमने रमज़ान के बाद दोबारा से स्टार्ट किया, तो फिर 55,000 को हमने गिरा के 15,000 कर दिया। अच्छा 15,000 करने की भी रीज़न ये थी कि जो मुल्की हालात हैं आजकल जो है जैसे आपको चल रहे हैं, जैसे आपको पता है अब जो है वो अक्सर जो है वो कभी कोई स्टार्टअप बंद हो रहा है, कभी कोई पाकिस्तान से भाग रहा है, एयर लिफ्ट पाकिस्तान से भाग गई, उसके बाद जो है वो कल मैं पोस्ट पढ़ा था एक्सट्रीम ई-कॉमर्स वालों की अनियली, वो कह रहे हैं कि हम 5 शहर के नाम लिए हैं कि 5 शहरों में हम लोग अपना जो है बंद कर रहे हैं इंक्यूबेशन और ये सारी चीज़ें। आपने भी पढ़ी? मैंने नज़रों से गुजरी थी, नज़रों से गुजरी थी। तो उस ये सारी चीज़ देखने के बाद हमने अपनी फ़ीस जो है 15,000 कर दी। अब लोग तो आ रहे हैं सीख भी रहे हैं, सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन वो उस तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही और वो सेटिस्फेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा। व्हाट इज़ योर विजन हमाद, व्हाट इज़ योर विजन विद दिस इंक्यूबेशन थिंग, कि मैं बच्चों को फॉर सपोज आपने 100 बच्चों को सिखाया, विजन होता है ना मैंने 100 को सिखाना है, 100 ने $1,000 लाने तो $1,00,000 महीने का आएगा मुल्क में। अच्छा मैं विजन मेरा स्टार्ट से यही रहा है कि बंदों को आपस में कनेक्ट करना। अच्छा। ये डिजीवर्स इसी विजन के बना था, जो डिजीवर्स है ना, डिजीवर्स बनाने के बाद डिजीवर्स के अंदर हॉस्टल और मेस रखने का मकसद ही ये था ताकि जो इतना एक बैच में 80 स्टूडेंट्स आए हैं ना तो एक साथ रहें, एक साथ सोएं, एक साथ खाएं, ताकि आपस में कनेक्शंस बिल्ड हो सबके। अब कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए मैंने जो है वो बड़े बैचेस किए और बड़ी बड़ी मतलब ऐसे ऐसे अब आप कह लो बीच में जो है वो लोग निकले, मतलब 2 बंदे जिनको मिले हुए अभी 1 हफ्ता हुआ होता, वो 1 हफ्ते से 1 साल रह रहे हैं और आप जब उनकी बॉन्डिंग देखो तो आपको लगता है कि 1 साल 2 साल 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, अब वो 80 बंदों के बैच में कोई एक बंदा भी सक्सेसफुल होता है, 2 बंदे सक्सेसफुल होते हैं तो सबको बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे काम किया ऐसे ऐसे, तो सारे जो है वो काम करना शुरू हो जाते हैं, एक मोटिवेशन मिलती है। तो मेन विजन था लोगों को आपस में कनेक्ट करना, जो कि मैं अभी भी कर रहा हूँ, लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ, लोगों को मिला रहा हूँ एक दूसरे से। कोई फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग का एक्सपर्ट है तो उसको फेसबुक के एक्सपर्ट के साथ मिला रहा हूँ, कोई इन्वेस्टर है तो उसको जो है वो किसी अच्छे काम करने वाले से मिला रहा हूँ, तो कनेक्शन जो है वो बिल्ड कर रहा हूँ। लेकिन जो है वो जिस तरह से जो विजन था वो विजन नज़र नहीं आ रहा पूरा होता, मतलब
एक का मतलब एक जो होता है ना यूनिटी, यूनिटी नहीं है हमारी कॉम के अंदर। मेरा मेरी एक एक और माइनर सजेशन है वो ये है कि स्टूडेंट्स में ना आप हमेशा स्टूडेंट का बैकग्राउंड भी चेक करो कि वो स्टूडेंट उसके इंटरेस्ट क्या है। फॉर सपोज हम अभी बात कर रहे था ओरिजिनल और अनओरिजिनल कंटेंट की, तो मेरे ख्याल से अभी फ्यूचर में फेसबुक सख्त होगा, यूट्यूब तो ऑलरेडी स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि यू नो आप नहीं डाल सकते किसी और का कंटेंट, तो हर बंदे को इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली अपना ही कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो हमेशा से मैंने जब भी देखा है ना कि कौन सा बंदा कंटेंट बनाने में अच्छा है, वो लोग हैं जिन्होंने या तो मास कम्युनिकेशन पढ़ा है, जर्नलिज्म पढ़ी है, या उन्होंने फिलोसफी पढ़ी है, या उन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी है। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा ऐसे स्टूडेंट्स को उठाएं जिनको इन चीज़ों को मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी डिग्रीज में हो, लाजमी नहीं है, लेकिन वो इन चीज़ से थोड़े से अवेयर हो। ये बच्चे आपको ज़्यादा शार्प मिलेंगे। और मैंने हमेशा आप देखें ना जितने भी आजकल के बड़े यूट्यूबर्स हैं हमारे यहाँ, आप देखें दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ सोशियोलॉजी, के सोशियोलॉजी क्या है, फिलोसफी क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या है। तो ये बच्चे करंट अफेयर्स पे आराम से कॉन्टेंट बना पाएंगे। ये बच्चे आपको आराम से वेरियस इशूज के ऊपर जो कि पाकिस्तान में या फिर सब कॉन्टिनेंट में जितने भी इशूज हैं आप यू नो, तो मेरे ख्याल से आप इसमें ना सिलेक्शन में ये बैकग्राउंड चेक अगर आप थोड़ा सा डाल देना, और जर्नलिस्ट बंदा क्योंकि आपने मीडिया का हाल देख लिया, मीडिया में रिपोर्टर की तनख्वाह आप देखो, और वो रिपोर्टर बेचारे को 6-6 महीने तक तनख्वाह भी नहीं मिलती, और आप देखो कि उनकी हालत क्या होती है बेचारे रिपोर्टर्स की, उनकी मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा मसला, क्या हालत होती है उनकी। जब वो आपके पास आएंगे और आपके पास कॉन्टेंट बनाएंगे और उनके पास महीने के जब $1,000 भी आएंगे ना, तो आप देखोगे ना कि उसके अंदर का जो छुपा हुआ जर्नलिस्ट है ना वो कैसे बाहर आएगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इसको कंसिडर करें। बंदे के पास पैसा आता है ना तो बंदा और से और क्रिएटिव बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनता है, और वो फिर अपना आप असल जो उसका होता है ना वो शो करता है कि भाई ये है मेरी वर्थ और ये मैं इस तरह का कंटेंट जो बना। क्योंकि पहले का जो दौर था ना वो कैपिटलिज्म नहीं था इतना ज़्यादा, एक एक्सट्रीम लेवल पे नहीं था, तो लोगों की खुशी गम वो सारा रिश्तेदारों से सोशल कनेक्शन से जुड़े हुए था ना कि यार मैं सैड इसलिए हूँ क्योंकि मेरा फलाना बंदा शहर जा रहा है, मैं सैड इसीलिए हूँ कि फलाना मर गया, फलाना बीमार है। आजकल हमारे सारे मसले मसाइल जो है ना वो सारे मनी से, पैसों से, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। हमारी हर एक चीज़ मतलब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जो एसी चल रहा है बिजली पे चल रहा है, मेरे पास अगर पैसे खत्म हो जाए या यहाँ पे कोई तार जल जाए, मेरे पास तार खरीदने के पैसे ना हो बिजली के लिए, तो मैं तो गर्मी से मर जाऊँगा। तो मेरी हर एक चीज़ कोरिलेटेड है विद मनी, कि पैसे ना हो यू आर गोन, यू आर फिनिश्ड। और फिर मेंटल हेल्थ आपके डिफरेंट इशूज स्टार्ट होते हैं, स्ट्रेस आता है आपको, एंजाइटी होती है फिर आपको। तो या यू आर राइट अपेरेंटली। तो वही बात कर रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज भी पाकिस्तान में जो है वो इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि लोगों के पास जो है वो अब उतनी ताकत नहीं है, उतने पैसे नहीं है कि वो कहीं भी जो है वो। सर मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाता हूँ, ये कल हुआ मेरे साथ, और ये मेरा एक दोस्त था, वी आर वर्किंग टुगेदर इन 2016 जब मेरी दूसरी जॉब थी गालिबन, और मैं कोई बड़ी कम सैलरी थी मेरी, मेरा बाप को इतना बड़ा अमीर बंदा आदमी नहीं था ना कोई, मतलब हाँ मिडिल क्लास भी नहीं थे टू बी हॉनेस्ट, होते ना लोग कहते हैं मिडिल क्लास है। तो मैंने एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मेरा पहला सेमेस्टर था, तो मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी ना, मेरे पास बाइक थी, तो मैंने उससे कहा कि यार तू मुझे जानी ड्रॉप कर दे यूनिवर्सिटी, मैंने सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो हमारा ऑफिस बादराबाद में था, यूनिवर्सिटी जो थी वो हमारी सिविल हॉस्पिटल के पास थी कराची में। तो उसने मुझे जब वो ड्रॉप किया, मैं वहाँ फॉर्म भर रहा था, तो वो उस लड़के ने किया था इंटर, और मेरा इंटर हो चुका था, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन, मैंने उससे कहा जानी एडमिशन ले ले, लाजमी नहीं है कि तू यूनिवर्सिटी आए, तू एग्ज़ाम्स देने आया कर, तू असाइनमेंट सबमिट किया कर, तू जो टॉपिक मिलता है कोऑर्डिनेशन कर व्हाट्सएप पे, और वो टॉपिक्स के ऊपर मतलब यू नो यू विल बी इवेंचुअली लर्निंग, बट तुम ऑफिस में काम करते हो तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ये थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन मिलती है। उसने कहा नहीं यार खली वली जाने दो, ये यूनिवर्सिटी मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है, मतलब मैं चाह रहा हूँ मैं अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ूँ। मैंने कहा चल ठीक है। मुझे उसका कल फ़ोन आया कि यार जानी मैंने किसी भी हाल में ना पाकिस्तान से निकलना है, मुझे बता मैं क्या करूँ। मैंने उससे कहा यार अभी जो आसान तरीका है ना निकलने का वो है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको ना ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, क्या अमेरिका वाले या फिर कनाडा वाले आपसे ये कहें या कोई यूरोपीय आपसे ये कहें कि यार आप तो पहले कहीं गए नहीं हुए नहीं है, आपको हम कैसे वीज़ा दें। आपको आराम से आपका क्योंकि रीज़न सॉलिड होता है, आपको वीज़ा आराम से मिल जाता है, आप मास्टर्स में लो, सेकेंड बैचलर्स में लो, सही है ना। मैंने कहा यार क्वालिफिकेशन बता दो, उसने कहा वही इंटर जो मैंने किया था 10 साल पहले वही है। तो हम ये बहस जो सुनते हैं कि डिग्री लाजमी नहीं है, यूनिवर्सिटी मत जाओ, टाइम ज़िया है, टाइम का ज़िया, भाई जैसा भी है ये यूनिवर्सिटी की जो ये रसीद है ना, डिग्री की रसीद है, ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, हर जगह आप आराम से जा सकते हो। यकीन करो मेरी यूनिवर्सिटी के जो जिस यूनिवर्सिटी को मैं समझता था कि यार इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ के 3-4 स्टूडेंट्स US गए स्कॉलरशिप्स पे,
تو یہ درخواست ہے آپ سب سے ان کی باتوں میں نہ آئیں جو موٹیویشن اسپیکرز آج بنے ہیں کہ ڈگری نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، بالکل کریں۔ اور ایک رسید ہے، یہ ایک آسان طریقہ ہے آپ کو ملک سے بھی جانے میں، آپ کا کردار ادا کر سکتے ہیں ایونچولی، یو نو۔ ایسی ہے، اس چیز کو میں بھی جو ہے وہ اب آگے جو ہے وہ فیل کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے یہ کام آ جاتی ہے۔ یہ ایک تو جو آپ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم ڈگری کریں گے، ڈگری کرنے کے بعد ہم کسی جگہ پہ 25,000 کی نوکری کریں گے، 30,000 کی نوکری کریں گے۔ تو وہ چیز جو ہے وہ اگر آپ اس چیز کو سائڈ پہ رکھ کے یہ سوچو نا کہ اس کے اور دوسرے کتنے فائدے ہیں، تو وہ لیکن اسکل کی بھی بہت، آپ کے اندر ریسرچ کا مادہ آ جاتا ہے، ایلیمنٹ آپ کے اندر ایک ریسرچر جاگ جاتا ہے جو ہر ایک انسان کے اندر ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آپ کو ریسرچ کرنا سکھاتی ہے، آپ کو یونیورسٹی میں آپ ڈفرینٹ بچوں کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنے کلاس میٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ سوشل کلچرل بیک گراؤنڈ سے، آپ کو بیٹھنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، آپ کو کمیونیکیشن اسکلز آپ کی اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ کہ بھائی ہر چیز بس چیٹ جی پی ٹی سے سیکھو، کانوا سیکھ کے اس پہ کورس بنا کے جو ہے نا، کانوا سیکھ کے اس پہ پیسے کماؤ، نہیں ہے یار، نہیں چلتی آپ کی۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے نا، یہ مائک جس نے بنایا نا، اس کے پاس بھی یونیورسٹی کی ڈگری تھی، ایک ٹیبل بنانے والے کے پاس بھی یونیورسٹی کی ڈگری تھی، جس نے انوینٹ کیا تھا کہ یار ایک ٹیبل ایک ایسی چیز ہے، یہ میرا فون، یہ ہر ایک چیز۔ ایونچولی ہماری لائف میں ہر ایک چیز جتنی بھی ہے نا، اس میں یونیورسٹی گریجویٹ کا کردار ہے۔ اچھا، اس کے اوپر نا میں ایک بات کرنا چاہوں گا، جو آپ نے پہلے بات کی کینوا فائیور یا یہ وہ۔ اچھا، پاکستان میں نا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی یوٹیوبر ہے یا کوئی بھی بڑا بندہ ہے یا میں ہوں، ہم نے یہ ساری چیزیں بتا بتا کے جو بندہ ہے اس کے مائنڈ سیٹ کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے کہ یہ کرنا بڑا ہی آسان ہے۔ آپ کینوا فائبر پہ جاؤ گے، آپ جو ہے وہ کام کرو گے، آپ فیس بک پہ جاؤ گے آپ کام کرو گے، آپ امیزون کے پر جاؤ گے آپ کام کرو گے، پیسوں کی بارش ہو جائے گی۔ تو جب وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے تو وہ 90% چانسز اس کے فیل ہونے کے ہیں۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں بار بار یہ بتا بتا کے تھک جاؤں کہ بھائی جان اتنا آسان نہیں ہے، اگر آپ محنت کر سکتے ہو تبھی آؤ، اگر آپ کام کر سکتے ہو تبھی آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فار ایگزامپل حماد کے پاس ہی آ رہے ہو اور آپ ڈی جی ورس کے اندر انٹر ہوتے ہو اور آپ سوچتے ہو کہ بھائی اب پیسوں کی بارش شروع ہو جائے گی، ہم کام کریں یا نہ کریں۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بڑا خراب سا بن گیا لوگوں کے دماغوں میں نا۔ اور یہ آپ نے یوٹیوبرس بھی دیکھے ہوں گے اکثر، 2 گھنٹے کام کرو روز کے، سو کے فون میں تم نے لیٹ کے 2 گھنٹے موبائل یوز کرنے پہ جو ہے نا 60,000 مہینہ کماؤں گا۔ یار ہم تو لیٹ کے کب سے فون کو یوز کر رہے ہیں 8-8 گھنٹے، آج تک تو ہم نے 2,000 روپے نہیں کمائے۔ ایسی ہے، تو یہ لوگوں کے اندر مائنڈ سیٹ ایک ایسا بنا دیا کہ آن لائن فیلڈ کو پھلوا بنا دیا ہے کہ آپ آؤ گے اور آ کے جو ہے وہ تھوڑا سا کام کرو گے پیسے بننا شروع ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہی ریزن ہے کہ کافی زیادہ لوگ اس کام کے اندر آتے ہیں اور کافی زیادہ لوگ اس کام کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ آتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں گے اور ہمارے جو ہے وہ کام کیے بغیر یا تو تھوڑا سا کام کرنے کے بعد پیسے بننا شروع ہو جائیں گے۔ ہر ایک فیلڈ میں نا حماد بھائی، مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک فیلڈ میں آپ کو ایٹ لیسٹ 18 منتھس لگتے ہیں۔ اس میں آپ انٹرمیڈیٹ لیول تک پہنچنے میں 18 منتھس لگتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے ایک جو ایک استاد آپ کو سکھاتا ہے نا یونیورسٹی میں، جو لیکچرر ہوتا ہے آپ کا، اس نے کتنی لائف جو ہے نا اپنی گھسائی ہوئی ہوتی ہے وہاں تک آ کر پہنچنے میں۔ اس نے میٹرک کے 10 سال آپ نکالو، پھر انٹر کے، کیونکہ میں تو کراچی کا انٹر وہ میٹرک والا بندہ ہوں تو میں اس کی اگزامپل دے رہا ہوں، اے لیولز او لیولز کی نہیں دے رہا۔ 2 سال آپ انٹر کے پھر نکال دو، 10 سال میٹرک کے نکال دو، 12 ہو گئے، 4 سال بیچلرس کے نکال دو، 4 ہو گئے، کتنے ہو گئے یہ 16 ہو گئے، پھر ماسٹرز اور اکثر ایم فل والے آ جاتے ہیں۔ تو آپ آرام سے نکالو کہ وہ بندہ 17-18 سال اپنا لگا کے آپ کے آگے کھڑا ہو کہ آپ کو جو سکھا رہے ہیں وہ، چلو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے جو بھی آپ کو سکھا رہا ہے، لیکن شاید انور تو کہتا ہے کہ استاد اصل میں فرق یہ ہے نا کہ جو انسان میں کبھی کبھی نا اس انسان کے ساتھ نا امپتائز کرتا ہوں، وہ انسان بیچارہ مجھے لگتا ہے اسے، کیونکہ ہر ایک انسان نا معاشرے میں ایک رف پیچ سے گزرتا ہے، اس کے ساتھ اتنا مطلب میں کیا کہوں یار، ہاؤ ڈو آئی پٹ ان ٹو ورڈس، کہ ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم آخر میں سسٹم کو اور ٹیچرس کو اور سلیبس کو اور سوسائٹی کو اور اپنی حالت کو ہم بلیم کرتے ہیں نا اپنی فیلئرس کے لیے۔ تو انسان کے اندر نا ایک انفیریارٹی والا کمپلیکس ہوتا ہے اور ایک سپیریارٹی والا ہوتا ہے۔ تو جب انسان غریب ہوتا ہے نا تو اس کے اندر انفیریارٹی کمپلیکس ہوتا ہے، جب وہ انسان امیر ہوتا ہے وہ انسان امیر ہوتا ہے، اور اگر وہ ویل انف پالش نہ ہو تو وہ اس کو سپیریارٹی والا کمپلیکس بھی اس کے اندر آ جاتا ہے جب وہ امیر بنتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بھائی اپن بھگوان ہے اور اب سے اب میرے سے اوپر تو کوئی ہے نہیں۔ تو یہ وہ کمپلیکسز میں بندہ جی رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں اس کی جو مطلب غریبوں کو موک کرنا، یو نو غریبوں کو موک کرنا، اور یہ سیم وہ اینڈریو ٹیٹ والی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے
कि इस तरह का कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाना, अपने आप को वायरल करना, और वायरल करने के बाद एट द एंड अपने कोर्सेज जो है वो बेचना. और एवरीबॉडी डज दैट, वो तो बेचता है कोर्सेज अपने. शायद अनवर ठीक ठाक ही सेल्स हिज कोर्स, और सब करते हैं इस तरह से. ये यही होता है आखिर में का, यानी कि आप अंदाजा लगाओ, एक आपसे कहते हैं मिलियनर हो, एक आपसे कहता है गरीब हो, दोनों एट द एंड ऑफ द डे दे आर सेलिंग देयर कोर्सेज. तो ये एक बड़ा डिलेमा है, और मेरे ख्याल से हमारे अंदर ना एक अपनी भी एक इंटेलिजेंस होनी चाहिए इमोशनल, जस्ट टू फिगर आउट कि यार कौन ज़्यादा लेजिट है, कौन ज़्यादा लेजिट नहीं है. और लोग यार अंधे में चले जाते, बिकॉज यार लोग की भी गलती नहीं है. पीपल आर सो डेस्परेट. हालात देखो यार, लोग आप आजकल के दौर में अगर आप 2-3 लाख नहीं कमा रहे महीने के, मुश्किल आपको गुजारा हो यार. लेकिन सीखने वाला ना सीख लेता है उसको पैसों की आराम से. आई एग्री विद दिस. सीखने वाला अपना अपने लिए कहीं ना कहीं से रास्ता आराम से निकाल लेता है. शाहिद अनवर है, या फॉर एग्जांपल हमात कियानी भी है ना, तो आपको जो शाहिद अनवर के पेड कोर्सेज हैं या हमात कियानी के पेड कोर्सेज हैं, हज़ारों जगह पर पढ़े हुए लोगों ने जो है वो डाउनलोड करके लगाए हुए, तो सीखना वाला पुन जाता है, उसको पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ती. क्योंकि मैंने जब फॉरेक्स में सीख रहा था तो मैंने 1 रुपये भी आज तक नहीं दिया फॉरेक्स सीखने के लिए. इधर उधर से सारे ब्लैक में कोर्सेज लेके, वीडियोस लेके, ऐसी हाउ इट वर्क्स. तो सीखने वाला जो है वो सीख लेता है, उसको पैसों की जरूरत नहीं है कि वो पैसे जो चाहिए. बाकी हमने क्रिप्टो भी स्टार्ट किया है. अच्छा, आप क्रिप्टो में भी गए? सो व्हाई क्रिप्टो, व्हाई नॉट स्टॉक्स एंड फॉरेक्स? क्रिप्टो हमने, मैं जो हूँ वो काफ़ी टाइम से क्रिप्टो कर रहा था, इसीलिए क्रिप्टो के अंदर हूँ. और मैं क्रिप्टो कर तो काफ़ी टाइम से रहा था, और लेकिन जब ये फेसबुक से पैसा आना शुरू हुआ तब थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इन हो गया, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ गई, और उसके ऊपर काम करना जो है वो हमने ज़्यादा शुरू कर दिया. और क्रिप्टो जो है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन हम लोगों को, मैं बार बार यही समझाता हूँ कि भाई ये करोड़पति तो बना सकती है, लेकिन अगर आप करोड़पति है तो लखपति भी बना सकती है. वो मैं एक मीम देख रहा था ना, गाड़ी का स्टेयरिंग ही पकड़ा, बिफोर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टोस पे वही हाथ होता है, फिर आखिर में होता है आफ्टर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो. बस में बैठा था मेट्रो में, उस पे हाथ रखा होता है अगले सीट पे. वो एक और मीम चल रही है ना आजकल कि मैंने अपने अब्बू को बिटकॉइन के बारे में घंटा बैठ के था, मेरे नाम पे जो 5 मरले का प्लॉट था उन्होंने वो भी ले लिया. वो भी ले लिया. मैंने अपने मालिक मकान को बताया कि क्रिप्टो के बारे में, अब हम दोनों कह रहे थे. सो यार, दीस आर द थिंग्स. Samad, thank you so much for your time. और मज़ा आया. हम वी आई ट्राई टू डेल्व इन टू द फॉर ये फेसबुक के हम इसके अंदर बिल्कुल घुस सकें, हम एक एक छोटी छोटी न्यूसेंसेज जो है ना डिस्कस कर सकें. आखिर में ये बताएं, उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जिनके लाइक्स 50 हो, क्या कहते हैं, 2000 होते हैं, और उनके कमेंट्स 50 होते हैं, या 30 होते हैं, या 20 होते हैं? ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है कि ये मतलब एक ऐसी दुनिया बन गई है कुछ लोगों के अंदर, ऐसी जो है वो आ गई है कि वो इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर ना अपने वो लाइक्स बढ़ा के या फॉलोअर्स बढ़ा के, और मेजोरिटी लोग ये फेक फॉलोअर्स होते हैं, फेक लाइक्स होते हैं, और वो लेने के बाद पता नहीं कहाँ की सेलिब्रिटी खुद को जो है वो समझने लगते हैं. और वो लाइक्स में समटाइम्स आप जाके स्टॉक करो ना उनको, लाइक्स खोलो, तो आधे से ज़्यादा वियतनामी होते हैं. ठीक है, अब वो वियतनामियों को क्या रखें इनके साथ, तो ये सारा चक्कर समझ में आ जाता है कि भाई ये सारे फेक लाइक्स हैं, फेक, क्योंकि वो सारे वो ये सिस्टम चली उधर से रहा है, ये फेक फॉलोअर्स वाला, फेक लाइक्स वाला. ठीक है, तो बंदे को जाके समझ आ जाती है कि ये फेक लाइक है. अब जो आम बंदा जिसको इतनी समझ नहीं है, वो देखता है यार 2000 लाइक्स हैं इसके, और ये वो, और उससे इन्फ्लुएंस होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. क्या पता वो बैकएंड के ऊपर जो है वो कैसी जिंदगी गुजार रहा हो बेचारा. नहीं, यही तो डार्क साइड है. हाँ, डार्क साइड है ये. इसके ऊपर भी हम एक पॉडकास्ट बनाएंगे एक साइकियाट्रिस्ट के साथ. हाँ, साइकोलॉजिस्ट के साथ. हाँ, हमाद भाई, आखिर में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, वो ये है कि स्पेशली वी आर मेकिंग दिस पॉडकास्ट एंड ये वीडियो भी हम डालेंगे फेसबुक के ऊपर, तो ये मुझे बताएं कि फेसबुक के ऊपर हम उसको, फेसबुक को कितने मिनट की वीडियो अच्छी लगती है कि उसके पास आए, क्या डायमेंशन उसको ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसमें आ जाए, और उस वीडियो को किस तरह से डाला जाए फेसबुक के ऊपर? तो ये अब मेरा आखिरी सवाल होगा. अच्छा, सबसे पहले डायमेंशन जो है वो आप स्ट्रेट डायमेंशन को कोई भी ले लें, भले आप पोर्ट्रेट ले लें, भले आप स्टैंडर्ड साइज ले लें, भले आप स्क्वायर ले लें, ये स्ट्रेट में आप कोई भी डायमेंशन उसकी ले लें. उसके बाद आप वीडियोज़ जो है वो 3 मिनट से लेकर 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट तक की आप वीडियोज़ बनाएँ. ठीक है. अच्छा, मैं काफ़ी ज़्यादा जर्नलिस्ट के साथ जो है वो काम करता हूँ, काफ़ी मशहूर जर्नलिस्ट हैं जिनके फेसबुक यूट्यूब के ऊपर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं. अच्छा, वो कैसे काम करते हैं कि
जो उनके आसपास या कोई बंदा खड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट के साथ मैं वीडियो बना रहा था, वो ऐसे मैंने कैमरा सेट किया, वो बोलना शुरू हुआ और उसने मुझे कहा कि जब 8 मिनट हो जाए मुझे ये इशारा करना है तूने, ठीक है। अच्छा, बोलता रहा 8 मिनट तक। 8 मिनट तक पता नहीं कहाँ से जो है वो बोलता रहा 8 मिनट हो गए। मैंने कहा 8 मिनट, ओके आप दुआ में याद रखें, आपसे मुलाकात, अब उसने एक सेट किया 8 मिनट से, हर वीडियो 8 मिनट से ऊपर की होनी चाहिए, ठीक है। वो 8 मिनट से ऊपर की वीडियो वो जब लगती है तो वो मिलियंस में व्यूज लेती है। तो ये भी एक चीज़ है, 3 मिनट से लेकर 8 मिनट के बीच में, 3 मिनट से नीचे की आपने वीडियो लगानी है तो आप रील्स पे जाके लगाओ, 3 मिनट से कम की, 3 मिनट से ऊपर की हो तो एज अ वीडियो अपलोड, एज अ वीडियो अपलोड करो। 3 मिनट से कम की है कि आपको पैसे इंस्ट्रीम एड्स पे उतने ज़्यादा नहीं बना के देगी जितनी 3 मिनट से ऊपर वाली वीडियो बना के देती है, ठीक है। तो 3 मिनट से लेकर आप 8 मिनट तक उसको जो है वो लेके जाओ, या 8 मिनट से ऊपर भी लेके जा सकते हैं आप। और लेकिन जो है वो स्टार्ट में हुक बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट में जो है वो, फॉर एग्जाम्पल नादिर अली का अगर आपने पॉडकास्ट देखा हो तो स्टार्ट में ऐसी चीज़ें डाल देता है वो शायद आगे पॉडकास्ट में भी ना हो, ठीक है। वो ऐसा मसाला स्टार्ट में डाल देता है ना, वो जो आपके स्टार्टिंग हाइलाइट्स होते हैं, हाइलाइट्स के अंदर एक हम भी डालेंगे इस पॉडकास्ट में, तो वो ऐसी जो है इतने पैसे चापो वाला इतने जो है वो हुक पॉइंट्स जो है वो अगर आप स्टार्ट में डाल दो तो व्यूअर क्या होता है, वो पूरी वीडियो देखता है सिर्फ उस एक पार्ट को देखने के लिए, और वो जब पूरी वीडियो देखता है वॉच टाइम अच्छा मिलता है, 1 मिनट व्यू अच्छा मिलता है, ये सारी चीज़ें वायरल जाती है। ज़बरदस्त। तो खैर मैं आपसे इंशाल्लाह रहनुमाई लेता रहूँगा अपने पॉडकास्ट के हवाले से, और बाकी मोनेटाइजेशन स्टूडेंट जो भी है, जो भी आएगा इंशाल्लाह रेफर यू टू देम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बड़ी मेहरबानी कि आप आए भाई। इनका इनक्यूबेशन है, अगर आप चाहें आप विजिट करें रावलपिंडी में, राइट? यस। रावलपिंडी में पाकिस्तान टाउन फेस टू। हाँ, इनके आप फेसबुक पे जाएंगे, वहाँ से गूगल के ऊपर जाएं, गूगल के ऊपर क्या नाम लोकेशन लिखें, डीजीवर्स आप लिखेंगे तो इनका है, आप जाके देखें, आपको पसंद आता है बिल्कुल जाके ज्वाइन करें, पसंद नहीं आता अभी ठीक ठाक है, सही है, गुड टू गो। उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि वो उन्होंने स्टार्ट किया वो बंद करने वाले थे। तो थैंक यू सो मच हमाद, और आप लोग हमाद के सारे जो सोशल लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो गो एंड फॉलो हिम। थैंक यू सो मच हमाद, क्या आप आए, टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू सो मच।